नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए जूम ऐप यूज़ करते हैं तो ऐसा इशू कई बार आपको हुआ होगा जहां पर पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं लेकिन वो वेटिंग में आ रहे होंगे। इसमें आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपको बार बार उनको एडमिट करना होता है। जब भी कोई नया पार्टिसिपेंट एंट्री करता है मीटिंग में, आपको उसको खुद से एडमिट करना पड़ता है। और अगर मीटिंग जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो लोग अगर नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दोबारा वो ज्वाइन करते हैं, तो बार बार हर एक को एडमिट करने में क्या होता है, हमारा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो इस तरह की दिक्कत बिल्कुल भी ना हो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको पहले से ही ऐसा सेट करना पड़ेगा कि जितने भी लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक एंट्री करते जाएँ, किसी को भी वेट ना करना पड़े। और ये चीज़ आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं। मीटिंग जब स्टार्ट हो जाए, आप जैसे ही मीटिंग स्टार्ट कर लें उसके बाद भी आप वेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। तो आप ये कैसे करेंगे वो मैं आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप वेटिंग रूम को कैसे ऑफ करेंगे। तो जब आप जूम ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का विंडो दिखेगा जहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से सेटिंग्स का विंडो आ जाएगा। यहाँ एक व्यू मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे क्लिक करना है। फिर यह आपको जूम की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी डिटेल्स से। और जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर एक वेटिंग रूम का ऑप्शन होगा। तो ये वेटिंग रूम के ऑप्शन में देखिए अभी ये ब्लू दिख रहा है, ये टर्न ऑन है, इसलिए ये वेटिंग रूम ऑन है। तो इसको हमें ऑफ रखना है, अभी ये ऑन है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा हमें अगर हम चाहते हैं कि लोग ऑटोमेटिक मीटिंग में ज्वाइन करें, कोई भी वेटिंग रूम में ना जाए, तो उसको यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह से इसको ऑफ कर दीजिए। इसके बाद जब भी मीटिंग स्टार्ट होगी कोई भी मीटिंग को ज्वाइन करेगा उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कैसे वेटिंग रूम को ऑफ करते हैं। सपोज आप यहाँ से वेटिंग रूम ऑफ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जब आप मीटिंग स्टार्ट कर लें उसके बाद आप वेटिंग रूम को खुद से ऑफ करें या खुद से उसको ऑन करें, तो वो सेटिंग कहाँ से आएगी वो देखते हैं। तो जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो इस तरह से हमारा पास जूम में विंडो आता है जहाँ पे हमें राइट साइड में इस तरह से पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट दिखती है और यहाँ पे नीचे कंट्रोल्स दिखते हैं। तो यहाँ कंट्रोल में आपको देखिए एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो सिक्योरिटी का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा एक इनेबल वेटिंग रूम का ऑप्शन। तो अगर आपने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले वेटिंग रूम को ऑफ नहीं किया है तो मीटिंग स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ से वेटिंग रूम को अनचेक कर देंगे तो वेटिंग रूम ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ एक और ऑप्शन है, यहाँ पर राइट साइड में ये तीन डॉट दिख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल वेटिंग रूम का, तो इसको भी हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शंस थे मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान आप वेटिंग रूम को कैसे ऑन और ऑफ करते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप मीटिंग स्टार्ट करने वाले होंगे तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको वेटिंग रूम का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी इशू आया तो आप मुझे कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप ये दूसरों से भी शेयर करें, क्योंकि वेटिंग रूम का इशू बहुत लोगों के साथ आता है। जितने भी लोग मीटिंग को होस्ट करते हैं या मीटिंग स्टार्ट करते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो अगर आप ये वीडियो उनसे शेयर करेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ उसे क्लिक करके ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आगे अपलोड हों उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।